शूज दिख जाएंगे पूरे, आप देख सकते हैं कि देखिए शूज ही शूज है। डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए आप कुर्ता स्टाइल शर्ट्स भी हैं। ये पूरी लाइन है यहाँ तक, ये देखिए कम से कम 300 दुकानें बताई जाती हैं यहाँ पर। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोनेस्ट्री मार्केट लिखा हुआ है, तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट एसोसिएशन, और यहाँ लिखा है लद्दाख बुद्धिस्ट विहार। बिल्कुल सही समझ गए हैं आप, ये वही मोनेस्ट्री मार्केट है जिसका जिक्र अक्सर दिल्ली में हुआ करता है ISBT के बिल्कुल साथ में। और दोस्तों बहुत सालों बाद यहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ क्या कुछ बदल गया है, क्या कुछ फैशन चल रहा है, क्या कुछ मिलता है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं। अच्छा, ये कपड़े होते हैं सारे फर्स्ट कॉपी, और कहा जाता है कि ये कोरिया से आए हैं, कुछ कुछ बेंगलोर से भी आते हैं, लेकिन कहते हैं फैशन और जो सस्ते कपड़े पसंद करते हैं, फैशन ज़्यादा करते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया जगह है। इधर घूमेंगे तो आपको यहाँ शूज दिख जाएंगे पूरे, आप देख सकते हैं कि देखिए शूज ही शूज है। डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए आप ये शूज ही शूज है, ये देख लीजिए, और इस साइड देख लीजिए आप, ये शूज की पूरी लाइन है यहाँ पर। इधर दिखा दो लोकेश, यहाँ भी कपड़े हैं। जल्दी से आपको 5 मिनट वॉक थ्रू दिखा देते हैं, काफी कुछ मिलता है यहाँ पर। लेकिन अब क्या सामान है यहाँ पर, ये लिनन है, सब लिनन। कितना पहले से काम कितना बढ़ गया है, कम हो गया पहले से काम? गर्मियों में तो काम आजकल कम ही है, थोड़ा कम ही है। हाँ जी, बताइए आपका नाम क्या है? केशव। केशव भाई ये बताइए, ये कपड़े कहाँ से आते हैं सारे? ये ऑल ओवर इंडिया से लाते हैं, अलग अलग जगह से, दिल्ली से, दिल्ली से भी आता है। हाँ जी, अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर है नहीं, गर्मियों में कम आते हैं लोग। हाँ, थोड़ा समर में थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा शाम को अभी धूप छुपने के बाद थोड़ा सा भीड़ होगा। हाँ जी, आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको जूते दिखेंगे, यहाँ पर्स दिखेगा आपको, देखिए आइए लोकेश मेरे साथ। अब प्राइस अगर पूछें तो डिटेल वीडियो में प्राइस पूछेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं कॉलेज के बच्चों के लिए, और कुर्ता स्टाइल शर्ट्स भी हैं। ये पूरी लाइन है यहाँ तक, ये देखिए कम से कम 300 दुकानें बताई जाती हैं यहाँ पर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कमला नगर मार्केट हो, मोनेस्ट्री हो, हालांकि तिब्बतन मार्केट तो बहुत जगह है दिल्ली में। कहाँ का, कितनी जगह पे है? एमटी में मस्जिद टीला, और ये हो गया सबसे पुरानी तो यही है मोनेस्ट्री, ना मोनेस्ट्री, और वो है मस्जिद टीला। मजनू टीला अलग है, ये अलग है? अलग लग रहा है वो तो, आगे ना। इसको कितना साल हो गया? काफी साल पहले, बहुत टाइम से। ये देखो मंदिर की उससे है ना। अच्छा, ये मंदिर है ना, मोनेस्ट्री। अच्छा, उसकी मंदिर की वजह से है, मंदिर की वजह से है। देखिए यहाँ पे भी है, ये देखिए लाइन, ये दिखा दीजिए लोकेश, ये देखिए, ये लोअर्स मिल जाएंगे आपको, टी शर्ट्स मिल जाएंगे। डिटेल वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, प्राइस और डिटेल्स भी देंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप जल्दी से वॉक थ्रू लीजिए कि कितना बदल गया है मोनेस्ट्री, और अभी फिलहाल यहाँ पर क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ जीन्स हैं, नॉन डेनिम्स हैं, और ट्राउजर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये इसको क्या बोलेंगे, कार्गो मिलेंगे, कार्गो बोलते हैं इसको, दिमाग से निकल गया था, ये देखिए। अच्छा, फर्स्ट कॉपी होता है यहाँ पर, ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक। ये देखिए जैसे लिनन शर्ट्स हैं, लिनन शर्ट्स, लिनन। ये शर्ट कितने की है? दिस वन, मैम छुप गए हैं कैमरे से, कोई बात नहीं। यहाँ वाले भैया के पास बहुत वैरायटी थी, दिखा दो जरा एक बार, बेल्ट्स की, बेल्ट्स हैं, चश्मे हैं भैया के पास। ये सामान कहाँ से आता है भैया सारा? ये जाता सप्लायर है, सप्लायर है भाई, सप्लायर दे जाता है। बहुत बढ़िया, लगभग 300 दुकानें बता रहे हैं आप यहाँ, है ना, 300 दुकान। आइए ये देखिए, ये भी शॉप है यहाँ पर, ये जीन्स की शॉप है, यहाँ पर भी वैरायटी बहुत अच्छी थी, कैप्स भी हैं देखिए। अच्छा, जो फैशन करते हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको डेली डेली नए नए कपड़े चाहिए होते हैं और नए नए फैशन की चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके लिए ये जगह ठीक ठाक है। और एक बार आगे देख लेते हैं, चक्कर मार लेते हैं, आ जाइए। स्लीपर्स मिलेंगी, कैप्स मिलेंगी आपको यहाँ पे, कुर्तेज हैं, क्या है कुर्ता, क्या है ये, लेडीज का आइटम है, कुर्तेज हैं देखिए।
अभी लेकिन वो जो माहौल था जब मैं बहुत सालों पहले यहाँ पर आया था, वो माहौल अब मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है गर्मी की वजह से। लेकिन कहते हैं कि सैटरडे संडे को यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। कितना कितना काम रह गया पहले से भैया? है 50% काम रह गया। क्या वजह क्या है इसकी, क्या बता सकते हैं आप? कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मैं सन 2000 से काम कर रहा हूँ, 22 साल हो गए, 2300 साल चल रहा है मुझे यहीं पे, इसी शॉप पे। इस शॉप में मेरे को 15 साल हो गए, उससे पहले मैं अंदर कॉम्प्लेक्स में काम करता था, शॉप नंबर 38 सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स। 50% फर्क पड़ गया, कंपटीशन बढ़ गया और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी और कंपटीशन की वजह से भी। तो मोनेस्ट्री थे हम इस वक्त, तो हमने आपको दिखाया दोस्तों कि क्या आजकल यहाँ पर मिलता है। इसके डिटेल में वीडियो हम आपको दिखाएंगे और उनके प्राइसिंग भी बताएंगे। आपका मोनेस्ट्री का क्या रहा है एक्सपीरियंस, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए खिचड़ी बाजार के साथ। बाय बाय।